नहीं देंगे हम, वोट का पैसा करेंगे क्योंकि हमारे गांव में रोड नहीं है, रोड की घोषणा हम मतदान नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे हम किसी को भी नहीं। रोड है तो वोट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नमिता खांडपाल, देवभूमि उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट उत्तर के दसचूला क्षेत्र से, और आज हम जा रहे हैं अपने दसचूला क्षेत्र के इसाला ग्राम सभा में। मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा गढ़ीधार है मेन मार्केट, वहाँ से इसाला ग्राम सभा कितनी दूर है और हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं, वो मैं सारा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगी। मेरे साथ देख सकते हैं, ये मेरे स्टाफ के साथ ही हैं। हेलो, जोर से तो बोलो। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हमने सड़क से इसाला ग्राम सभा के लिए प्रस्थान कर दिया है। रास्ता आप देख सकते हैं, इतना बढ़िया रास्ता तो किसी भी गांव का नहीं है। ग्राम सभा इसाला का रास्ता है, आप देख सकते हैं, जहां सभी ग्राम सभाओं में रास्ते सीमेंटेड हो चुके हैं, और कई ग्राम सभाओं के रास्ते तो ऐसे हैं जहां पर टाइल्स बिछी हुई हैं। एक यही गांव ऐसा दिखा हमको जहां पर रास्ते के बुरे हाल हैं। ये आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है। हमारा बोल के कोई फायदा नहीं है, गांव वालों को बोलना चाहिए। अरे फायदा और नुकसान का मतलब, हम लोग जा रहे हैं ग्राम सभा इसाला में, तो मैं अपने साथियों को पूछना चाहती हूँ कि आपको इस रास्ते पे चलकर कैसा फील हो रहा है। बहुत ही बेकार लग रहा है, उधर तो पूरे फिसल भी रहे और पत्थर इतने बड़े बड़े रास्ते में आ रखे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है चलने में। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे रास्ते पे, और जगह तो सही रास्ते हैं पर ये अलग ही है। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, और जगह के रास्ते सही हैं, बट एक यही का रास्ता है जो इतना बेकार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो चलने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम फिसलने की ज़रूरत है। हम फिसल करके ही आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। सर थोड़ा फिसल के दिखाओ तो। देखो, अब गांव से आधा किलोमीटर दूरी पर हम हैं। हमारे दसचूला क्षेत्र का एकमात्र यही गांव है जहां पर सड़क नहीं आ पाई है। यह आप देख सकते हैं, ये ऊपर रोड है और यहां से 5-6 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है। आने जाने में काफ़ी असुविधा यहां पर होती है। अभी हम थोड़ा सा बैठ गए हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि चलते चलते हमें भी थकान लग गई थी, तो थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं फिर जाते हैं। अब बस थोड़ा ही बचा है, आप देख सकते हैं नीचे। नानी कक्ष न्यूजीलैंड रुलिया ना गढ़ीधार, यो बटन कितना किलोमीटर से गढ़ीधार? 4 किलोमीटर। बाप रे, ये चढ़े हो तुम यानी करी ते ले आने हो जाग तो ले स्कूल। आप देख सकते हैं हम ग्राम सभा इसाला में हैं, जहाँ पर संगठन की जितने भी SHG NRLM में जितने समूह हैं, संगठन में जुड़ी हुई जितनी भी बहनें हैं, उन सभी के द्वारा यहाँ पर आज मतदान के लिए शपथ ग्रहण किया जाएगा। यह आप देख सकते हैं हमारे स्टाफ है और साथ में हमारी बहनें हमारे साथ हैं। आप लोग शपथ ग्रहण करना होते तैयार छिन्ना? शपथ ग्रहण मतदान निकाना अपन किले
रोड नहीं चाह पायक तांग वजह से आप अच्छा आप पूरा आपन पहले बटे निश्चित करी हो चाहिए कि हम उन वोट दें सरकार के कारण क्योंकि हमें एक आशा कार्यकर्ती भी हूँ और गांव के हर एक बुजुर्ग को भी देखने का हमारे पास कार्य आया जा रहा है लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है सरकार उसकी वजह से सड़क की वजह से और सरकार हम खाली हमें गुमराह कर रही है हर जगह से। 2019 से यही कार्य चल रहा है कि आपके कार्य बन रहे हैं सड़क का कार्य हो रहा है कब होगा जब हमारी पूरी ग्राम सभा पूरी मतलब खत्म हो जाएगी कोई विकसित ही नहीं हो पाएगा क्या हमारे गांव का। 2019 से यानी कि 5 सालों से आपको आश्वासन दिया गया था कि सड़क आएगी लेकिन अभी तक नहीं आ पाई। आप ग्राम सभा की प्रधान जी हैं है ना, आप क्या कहना चाहेंगी आपके गांव में गढ़ीधार से मेन रोड से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर यह गांव है। काफ़ी दूर यहां पर आने जाने में सभी लोगों को दिक्कत होती है, आज हम भी यहां पर आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी प्रशासन से शासन से। अभी कुछ दिनों बाद 19 तारीख को आज से 17 दिन बाद वोटिंग होने वाली है, मतदान होने वाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कुछ मैसेज। वोट मतलब हम दिवनी चाहें हमारा पत्र भी दियो डीएम साहब कि हम उन जब मुंडेरी बड़ी था अपना गाँव सभी लोगों का हम ली का जाए कंटर लगाए हम उन चुनो हम उन खुद लगाए पूरा हमारे तरफ से पूरा काम हो गया पर विभाग हम बहुत मतलब बेकू बनो जबकि पैसा से भी आई स्वीकृति देहरादून से लेकर संगते बटी लेकर आया छीन हम पर पता नहीं विभाग पत्नी क्या टांग उड़ाऊं अपने बीच में। डीएम साहब को पता है कि आप वोट का बहिष्कार करेंगे यहाँ से मतदान नहीं होगा डीएम पास भी यहाँ से तो वहाँ से कुछ प्रक्रिया नहीं आई जब आपका पत्र वहाँ पर गया। डीएम साहब उनका 7 दिनों टाइम दी छो कि 7 दिन में तुम मतलब ग्राम सभा इस साल में मीटिंग बैठाए अच्छा तुम्हें समस्या क्या और तुम अपना कार्य करे पता नहीं बुना की ऑनलाइन फाइल जाइए पता नहीं कब तक से फाइल होली हाँ। जैसे 5 सालों से पेंडिंग पड़ रखा है उसी तरह से आगे भी होगा। हम उन मुंडरी लगेली कति बारह विभाग पीडब्ल्यूडी गएगा वन विभाग 15-15, 20-20 आदमी होना सी चाय पानी खाना नाश्ता करना अब फिर चल जाना से ते बात से हमारा बात कखी पहुँचाना राजी नहीं अच्छा मेहमान नवाजी करके फिर चले जा रहे हैं उसके बाद फिर भी कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा। ये देख सकते हैं सारी हमारी बहनें यहाँ पर हैं ग्रामीण इशाला ग्राम सभा से सभी बहनें यहाँ पर आ रखी हैं। आपको मैं बता देती हूँ आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ डायरेक्ट ये आप देख सकते हैं ऊपर 5 किलोमीटर दूर है ये ग्राम सभा इशाला से सड़क। यहाँ से आप सोच सकते हैं समझ सकते हैं अगर इमरजेंसी कुछ भी हो गया कोई बीमार हो गया किसी की तबीयत खराब हो गई डिलीवरी केसेस रहते हैं या अन्य इमरजेंसी रहती है तो उस टाइम पे कैसे करके हमारे जो ग्राम सभा इसाला के ग्रामवासी हैं कैसे करके मैनेज कर पाते हैं। आधी आधी रात में इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल तो आप ये तो निश्चय पूर्व उठा नहीं चाहिए कि हम उन वोट दियो नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप बात सही थी। स्कूल जइयो से ए यार 5 बजे छिना मैं 5 बजे करी हूं या पड़ी छो
छोटा छोटा बच्चा छीन हमार अकन के हम लोग चेट बुझोरी सी जब कोई बहुत छोटा बहुत परेशान हो हम तो बच्चा विधायक जी यहां छीन कभी ये गांव में विधायक कभी नहीं है यहां मतलब वोट जमा वोट होनी छे कौन स्वागत कनो का हम माथी मुझे या छ चोरी मा स्वागत हम चोरी मा करी जवाब उन बुलो और छा अपन से नहीं ऐसी अच्छा मतलब मैं नहीं है सको हां नहीं है सको हम वो चलो विधायक जब बढ़ जोल हमका रोड है सुविधा दियो हम को तुम को स्वागत कर जे बल अगली बार मैं जीतलू तब मैं तुम्हारे गांव में रोड पर तेरी मां मुन विधायक दी सकल सूरत कुछ नहीं दिए क्या हम रोड पे विधायक दी के नहीं हम रोड पे भी इसलिए गए क्योंकि हमारी फाइल दबी हुई थी लेकिन हमें था कि विश्वास था कि विधायक जी हमारा गांव में सड़क लाएंगे जिस तरह उन्होंने फाइल ऊपर करी उसी तरह हमें भी विश्वास था कि वो सड़क लाएंगे लेकिन उन्होंने वो झूठा आश्वासन दिया और जब हमारी महिलाएं ऊपर गई तो बोला कि आप लोगों के गांव के हित विरोध कर रहे हैं कि सड़क नहीं चाहिए लेकिन अगर विधायक जी को ऐसा लग रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि गांव वाले हम भी तो देखें वो गांव वाले कौन है पुलिस प्रशासन की मदद ले जो जहां वो गांव में जहां उनको खाने के लिए मिल रहा है वहां तो वो खून जा रहे हैं सड़कों का काम करवा रहे हैं लेकिन गांव वाले देने वाले नहीं है तो वो यहां का कोई वो कार्यवाही कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं ग्राम सभा के सही बिल्कुल सही है वैसे मतदान करना सभी का अधिकार है हाँ बिल्कुल इतने मजबूर हो रखे हैं ग्रामीण हाँ इतने मजबूर हो रखे हैं ग्रामीण की सभी ने इसमें ठान रखी है कि हम वोट नहीं देंगे और इन लोगों का कहना भी सही है क्योंकि मैंने आपको रास्ता दिखा दिया होगा पूरा कहां से कहां तक और किस हालत में आना पड़ता है इन लोगों को बिल्कुल नहीं देने क्योंकि हमारी और रोड नहीं होता बात हम वोट नहीं देने हम अब चुता ही था परेशानी होनी छोटा बच्चा बा पास पास करी था तो उनका कोई बीच कन के जाना रोड आ गो जो से स्कूल भी बंद होगी ये तरह तरह बहुत छोटा के जाना कौन सी प्राइमरी स्कूल अच्छा जूनियर जूनियर प्राइमरी अच्छा तो आपने ग्रामीणों का दुख सुन लिया होगा किस प्रकार से लोग परेशान हैं प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है विधायक लोगों ने जिन्होंने वादा किया था इन सभी लोगों से कि हम जैसे ही जीतेंगे आप लोगों के यहाँ पर रोड आएगी लेकिन वादा उनका झूठा गया अब एक बार विधायक जी इनके सामने आकर के दिखाए पता चलेगा कि कितना रोष है इन ग्रामीणों के अंदर जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने रोड नहीं तो वोट नहीं ग्राम सभा इसाला से 295 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव की अविकसितता को देख करके यह निर्णय लिया है कि वह वोट नहीं देंगे आप देख सकते हैं ग्राम सभा इसाला से हमारी वापसी हो चुकी है अब हम जा रहे हैं घर की तरफ चढ़ाई मैंने आप लोगों को बता दी होगी सभी के हालत ख़राब हो गई है चढ़ाई पे चलते चलते आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ग्राम सभा इसाला से 3 किलोमीटर ऊपर 2 किलोमीटर अभी है गढ़ीधार जाने के लिए वहाँ पर हमने संगठन के सभी सदस्यों को विभागीय योजनाओं के बारे में बताया और साथ में हमें मतदान ग्रहण भी करवाना था उनसे शपथ ग्रहण तो वहाँ के लोगों ने इनकार कर दिया तो हमारे मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया जो वो वोट नहीं देंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे आज डिस्ट्रिक्ट के हो देश के हो या फिर स्टेट के हो दूरस्थ ग्रामों में भी रोड जा चुकी है पूरी सुविधाएं वहां पर मिल चुकी हैं एक हमारा दसजुला क्षेत्र का जो ग्राम सभा इसाला ही है यहीं पर है जो अभी तक रोड नहीं जा पाई है कई प्रयासों के बाद भी अभी सारा काम पेंडिंग पड़ा है छोटे बच्चे इस जंगल के रास्ते स्कूल कैसे जाएंगे उन्होंने भी वही बात रखी और साथ में क्या कह रहे थे हमारे लड़कों को कोई लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं है देने के लिए भी तैयार नहीं है इतनी दूर कौन ही देगा बिल्कुल
रोड से काफ़ी दूर है यहाँ पर चलने के लिए, 5 किलोमीटर कम नहीं होता है। और चढ़ाई तो आपने देख ली होगी, एकदम खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है आना। ग्राम सभा इसाला के बच्चे हैं। नानी वे की छुट्टी के स्कूल में पढ़ा जगतोली जगतोली बेटिन होना जगतोली कितना किलोमीटर बोलियो बेटिन 5 किलोमीटर तो इस वाले थी 6, 7, 8 किलोमीटर तो आप ये देख सकते हैं 8 किलोमीटर दूर से ये बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई करके। और मैंने आपको दिखा दिया होगा, ये है ग्राम सभा इशाला के बच्चे। देखो कितनी दूर इन बच्चों को जाना पड़ता है। ये है ग्राम सभा इशाला। अब आप ही सोचिए, यहाँ से बच्चों को सुबह उठ करके जाना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करेंगे ये बच्चे, क्या कर पाएंगे, उतना तो इन्हें थकान ही लग जाती होगी जाते जाते। ये देखिए इतनी दूर से, मतलब कितने सुविधाओं से कितने वंचित हैं यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा, यहाँ के वृद्ध, कितनी असुविधा इन लोगों को हो रही है सिर्फ एक सड़क न होने की वजह से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।